सभी विद्यार्थियों को मैं नमस्कार। टेंथ क्लास में टेंस का जो टॉपिक है वो निरंतर चल रहा है और आज के वीडियो में मैं आपको अगला टेंस बता रहा हूँ जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब परफेक्ट का तो मतलब ही होता है पूर्ण, परफेक्ट शब्द पूर्णता का सूचक है। तो इस टेंस की साधारण पहचान होगी चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। इस टेंस की एचवी क्या है? सेल हैव, विल हैव, डबल एचवी है। कॉमन कैसे लेंगे? सेल या विल प्लस हैव। डिवाइडेशन किस प्रकार से होगा? तो पूरे फ्यूचर टेंस में डिवाइडेशन इसी तरीके से होता है कि आई व वी के साथ सेल हैव और अदर्स के साथ विल हैव। मेन वर्ब में वी थ्री, इससे पहले जो दो परफेक्ट टेंस निकल चुके उनमें भी वी थ्री, तीनों जो परफेक्ट है प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर इनमें मेन वर्ब में वी थ्री का प्रयोग होता है। और ये इसका स्पेशल फीचर है जो हिंदी में ब्रैकेट में लिखा गया है कि कार्य पूर्ण हो जाता है। अब इसमें ऑब्जेक्ट के बाद दो चीजें अलग से चलती हैं, बाय प्लस टाइम व बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम का प्रयोग। इनमें से किसी भी एक का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पश्चात होता है। अब ट्रांसलेशन देखेंगे कि वह सोमवार तक जयपुर पहुंच चुका होगा। अब वह तो सब्जेक्ट है, वह सब्जेक्ट है, सोमवार टाइम है, जयपुर ऑब्जेक्ट है, पहुंचना मेन वर्ब है और डबल एच भी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही के साथ विल हैव, रीच पहुंचना, रीच की वी थ्री रीच्ड। अब गो के बाद अगर स्थान आता है तो टू का प्रयोग होता है, लेकिन रीच के बाद अगर स्थान आएगा तो टू का प्रयोग नहीं होगा। तो रीच्ड जयपुर, अब सोमवार तक, तो बाय प्लस टाइम, बाय मंडे। नेक्स्ट सेंटेंस नेगेटिव, वह सोमवार तक जयपुर नहीं पहुंच चुका होगा। तो अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए वही तीसरे नंबर पर नोट लगाएंगे, डबल एच वी की सिंटेक्स है, ही विल नॉट हैव रीच्ड जयपुर बाय मंडे। फिर नेक्स्ट, क्या हुआ है? सोमवार तक जयपुर पहुंच चुका होगा, बाकी का प्रारंभ कैसे हुआ है? इंटरोगेटिव है, तो विल ही हैव रीच्ड जयपुर बाय मंडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड का, कि वह सोमवार तक जयपुर क्यों पहुंच चुका होगा, क्यों इसमें डब्ल्यू एच वर्ड है। तो why will he have reached जयपुर by Monday? इसके बाद में how many, how much, which या which plus noun की syntax है, कि वह सोमवार तक कौन से शहर में पहुंच चुका होगा। तो in which city will he have reached by Monday? वह double H की syntax चल रही है। इसके बाद interrogative में कौन वाले वाक्य हैं? ये दोनों वाक्य same बनेंगे। इधर से चुका होगा एकवचन होगा, एक वचन का प्रतीक है, और चुके होंगे बहुवचन का प्रतीक है, लेकिन ये दोनों वाक्य सेम बनेंगे क्योंकि उनके साथ विल का प्रयोग होगा। तो कौन सोमवार तक जयपुर पहुंच चुका होगा? Who will have reached जयपुर by Monday? और कौन सोमवार तक जयपुर पहुंच चुके होंगे? Who will have reached जयपुर by Monday? इसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव प्रारंभ है, कि क्या हुआ है? सोमवार तक जयपुर नहीं पहुंच चुका होगा, तो विल ही नॉट हैव रीच्ड जयपुर बाय मंडे। कैसे प्रारंभ है? एचवी से बनेगा, और इसका अर्थ होगा वोंट ही हैव रीच्ड जयपुर बाय मंडे। सेंटेंस देखेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव में डब्ल्यू एच वर्ड, कि वह सोमवार तक जयपुर क्यों नहीं पहुंच चुका होगा। तो व्हाई विल ही नॉट हैव रीच्ड जयपुर बाय मंडे, और इसमें प्रत्येक का अर्थ होता ही है कि व्हाई वोंट ही हैव रीच्ड जयपुर बाय मंडे। इसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव में हाउ मेनी, हाउ मच, हू, या विच प्लस नाउन, तो वह सोमवार तक कौन से शहर में, इन विच सिटी, कौन से शहर में नहीं पहुंच चुका होगा। तो इन विच सिटी विल ही नॉट हैव रीच्ड बाय मंडे, और इसका अर्थ बनेगा इन विच सिटी वोंट ही हैव रीच्ड बाय मंडे। इसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव में हु के सेंटेंस है, तो प्रत्येक डबल बनेगा लेकिन दोनों सेम बनेंगे। उसका कारण है कि हु के साथ विल का प्रयोग होगा, आई एम वी के साथ सेल का प्रयोग होता है। ये पूरी डबल एचवी की सिंटेक्स चल रही है। एक बार जिसके डबल एचवी की सिंटेक्स समझ में आ गई, फिर किसी भी टेंस में अगर डबल एचवी है तो उसकी सेंटेंस मेकिंग बिल्कुल करेक्ट होगी। तो कौन सोमवार तक जयपुर नहीं पहुंच चुका होगा? Who will not have reached जयपुर by Monday? और इसका अर्थ होगा Who won't have reached जयपुर by Monday? और कौन सोमवार तक जयपुर नहीं पहुंच चुके होंगे? इसमें भी वही बनेगा सेम, Who will not have reached जयपुर by Monday? और अथवा Who won't have reached जयपुर by Monday? मुझे आशा है ये टेंस फ्यूचर परफेक्ट आपके समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।